नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं स्पीक नॉलेज। आज का वीडियो 50 ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के जो सेकंड सेटिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन की हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपके पास चार है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रावी नदी के किनारे। काफ़ी लोग सिंधु और रावी में कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर, तो यहाँ पे रावी नदी के किनारे हो जाएगा, क्योंकि सिंधु में इसलिए कन्फ्यूज होते हैं काफ़ी लोग इस हिसाब से कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, लेकिन हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन की काली बंगाल स्थित है, तो यहाँ पे काली बंगाल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन की राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था, तो वो कहाँ कराया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा में उत्खनन कराया था, जो कि 1921 ईस्वी में कराया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1922 ईस्वी को। कब हुई थी, 1922 ईस्वी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे, किसको, राखलदास बनर्जी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा और क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी मोहनजोदड़ो से कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा और क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो किसने नियुक्त किया पता होगा आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी अशोक ने नियुक्त किया था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर दसवां क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो कौन से शिलालेख में, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 13वें शिलालेख में। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देख पाए आप लोग कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी जैन धर्म से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बार क्वेश्चन कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो क्या जोड़ा था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मचार्य। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो जाहिर सी बात आप पता होगा पढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी साइट होगा, यानी अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो यहाँ पे पता होगा आपको ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, कौराठ होगा, यानी अकबर ने किया था सर्वप्रथम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां और क्वेश्चन कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया, तो कब नियुक्त किया, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी 1582 ईस्वी को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 16वां और क्वेश्चन कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, ये जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा सबको, ऑप्शन नंबर आपका क, यानी बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन कि फतेहपुर सिकरी की राजधानी किसने, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया, तो किसने बनाया था, वो बनाया था आपका हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां जिसे हम देख पा रहे हैं और क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया, तो कब शुरू किया था, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1581 ईस्वी को। अब अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 19वां और क्वेश्चन कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये आसान सा क्वेश्चन है और हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बहादुर शाह जफर। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, तो इसको किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी जी एस लिविदेव। कुछ लोग निकोलो कोंटी इन दोनों में कन्फ्यूज होते हैं, तो जी एस लिविदेव होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां और क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो यहाँ पे महानतम शासक की बात की, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22वां और क्वेश्चन कि गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मंदिर से संबंध है गोपुरम का। अब अगले बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 23वां और क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला संत कौन थी, इनमें से कौन थी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी सभी थी, तीनों महिला संत थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां और क्वेश्चन कि ख्वाजा मनीदुन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो कहाँ है जाए, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सबको पता होगा, हो जाएगा डी, यानी अजमेर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25वां और क्वेश्चन कि तलवंडी किसका जन्मस्थान था, तो किसका था, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नानक का था तलवंडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां और क्वेश्चन कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया, तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन आरंभ किया था वो क्या था, रामानंद, ऑप्शन नंबर आपका क यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां और क्वेश्चन की किताबों रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी इब्न बतूता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां और क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो पता होगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा, यानी मोरक्को का यात्री था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 29वां और क्वेश्चन कि फ्रांसिस बुकानेन कौन था, तो फ्रांसिस बुकानेन एक सर्वेक्षक था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट होगा, यानी एक सर्वेक्षक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 30वां है और क्वेश्चन की कॉर्नवालिस कोड बना था, तो कॉर्नवालिस कोड कब बना था, हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस कोड बना था।
और उसके बाद 31वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लेकिन रियल में जो होगा वो 1911, तो आप लोग 12 में लगाइए 1912। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन के, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो कब अधिकार किया था हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर सी यानी 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1773 यानी ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन के संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो एक बार शायद आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन होगा ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सिद्धो हो जाएगा, सिंधु और कानू दोनों थे तो यहाँ पे सिद्धो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन के, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जगदीशपुर के जमींदार थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन है कि व्यापगत का सिद्धांत संबंध किससे है? तो व्यापगत का सिद्धांत जो है वो संबंध है बी यानी डलहौजी से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन की, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो कब हुई थी? वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1911 ईस्वी को स्थानांतरित हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी राइट होगा यानी 1885 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून किसको कहता है? उसको कहते हैं रोलर एक्ट को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अब बढ़ते के लिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन की, सर की उपाधि किसने वापस की? तो सर की उपाधि जो वापस की थी वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन की, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन की, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये तो आंदोलन लास्ट था और जो हुआ था वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी 1942 ईस्वी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन के, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1905 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन की, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी 1946 ईस्वी को कब आया था, तो 1946 ऑप्शन नंबर सी 45 का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी माउंटबेटन योजना, तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी भीमराव अंबेडकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो 49वां क्वेश्चन की, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1950 ईस्वी को कब बना, तो 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र बना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन 50वां की, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 26 जनवरी 1950। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी मॉडल सेट थे, जितने भी पुराने नए, सब मॉडल सेट को एक साथ कवर किया हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते थे उन सभी को मिक्स किया हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग सभी को साथ इस वीडियो को शेयर कर दिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।